भाई यार दोनों वो हो कोई यार डाल रहा, देखो हमने पूछने के बाद भी वही वही डाल रहा। भाई यार ये रेंज में डाल रहा बोलो। हाँ ना वो करता ना चीन है, अरे लेकिन वो देख सीधा सीधा डालना स्पीकर ही ले रहा तो बाहर निकल ना, थोड़ा पूरा बदन पे पैर पे डाले तो मारेगा ही ना। 34 रन सीधा सीधा डालना। अच्छा बॉलिंग करता ना ये, अगर ऑफ
पावर प्ले चलता हुआ यहाँ पे जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत मिल चुकी है एके राहुल को। 47 तो एके 47 यहाँ भी आ गया है, एके राहुल को एके 47 बनाना है। बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, इसीलिए फुल टॉस रहने के बाद भी पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं, उसी के चलते एक रन समीर फील्ड करते, एक रन आसानी से चुराया। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जुनेरा स्पोर्ट्स क्लब ने टारगेट रखा है विक्की राहुल के लिए 10 ओवर की। मैं यहाँ बैठा हूँ, स्कोर चाहिए तू वहां बैठ। भाई जल्द से जल्द मैच खेलाएंगे, हरप्रीत भाई आपसे रिक्वेस्ट है मैच को ना रुकाइए। सुनो भाई आप जानते हैं अच्छी तरह, आप बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है इस गेम में, सबसे एक्सपीरियंस यहाँ पे सुनो भाई आप ही है, एकदम अच्छी मामला मेरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरे को ऐसे ही रखे। तो चलते हैं मैच की तरफ। अब यहाँ अमित, अमित बच गया, देख सकते हैं रसल कल का चमन प्रास खाकर यहाँ पे दूध को लड़के हुए दूध को हरा देते, वैसे में रसल है ना दूध को हरा देते। मैंने भी पावर प्ले खत्म हुआ, रसल ने गेंदबाजी की, पहले ओवर में 14 रन आए, जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी एक राउंड का उस तरह की शुरुआत मिली, पहले ओवर में 14 रन, अब आने वाले 17 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत, 33। ये मैच दोनों तरफ है, 1-2 विकेट जुनेरा को इस मैच में वापस से अच्छी तरह से पकड़ बनाने में मदद करेगी, और यहाँ 1-2 बड़े हिट आ गए, कुछ रन की बहुत आसानी हो रहा है। मैं करेंगे कुछ बल्लेबाज चार्ट, पहले ही दो नो ओवर स्टेप के नो बॉल, आप देख सकते हो सर हैदर को नो बॉल। तो नंबर का इशारा आता हुआ यहाँ पे फ्री हिट, बहुत सामना करेंगे चांद, चांद एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, समझ भारी बड़ी बैटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी गेंद, कुछ समझ नहीं पा, अंदरूनी किनारा रन का खतरा सीखता था, वहां पर रन आउट भी छूटा, अर्थात के हाथ में गेंद नहीं आई, लेकिन बहुत खूबसूरत गेंद, उस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए। बहुत बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर पहली गेंद नौ रन ली हुए, इसके बाद भी दूसरी गेंद पे एक ही रन, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। आप सामना करेंगे सोनू, ये देखिए सोनू जितने छोटे कद के हैं उतने अच्छे बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर है, सोनू तो सर के करीब ये गेंद थी, एम्पायर का इशारा, 4 रन लगभग लगभग सर के करीब कांधे के नजदीक, उस गेंद के बीच से ऑफ साइड से लेग साइड की दिशा में पूरी तरह से गैप ढूंढ कर 4 रन लिया। तो दस मनों का अधिकार है एम्पायर से एक बार पूछना, बट हमारे एम्पायर को दोनों ही चतुर और चालाक, बांस की नजर चीते की चाल पप्पू जी की, और सही बात है पप्पू जी तो है चाल बांस, हमारे पप्पू जी हमारे बीच, तो बांस की नजर हैदर की है तो चीते की चाल पप्पू जी की है, और हमारे बीच बोलो मामू, बोलो मामू एम्पायर से कुछ बात करते हो वहां पर, तो मैच को स्टार्ट किया गया, बोलो मामू वहां पे आप घूमते फिरते चले जाएंगे, तो हम जानते हो थैंक यू, आप तैयार सबकी भी गेंद उसे वापस उसी दिशा में निकला, हमें एम्पायर के इशारे की जरूरत है, एम्पायर का इशारा आता हुआ यहाँ पे 6 रन, पप्पू जी ने उस गेंद को पहले ही देख लिया कि गेंद कहाँ पे मतलब लैंड होने वाली है, इसी तरह से 6 रन। जब से सोनू स्ट्राइक पे आए रन पे लगातार जा रहा है, 26 रन हो चुके हैं,
रॉय 147 बनाने में कामयाब रहेगी। देखिए मैच कहां से कहां था, जहां 24 गेंदे 48 रन चाहिए था, 15 गेंदे 21 रन। बहुत अच्छी गेंद और ये मिस फील्ड के चलते थोड़े से फंप पास ले लगातार अशफाक अशफाक वहां पे फंबल हुए और उसी के चलते 4 रन। बहुत ही हम जानते नहीं कि क्या हुआ उधर, पत्थर पे लगकर गेंद कहीं और चले गई। आपस चिचा के नजरिए से पत्थर पे लगती गेंद क्रॉस हो गई। केजे स्पोर्ट्स क्लब के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज फैसल, आप देखते हैं यहाँ पे जो चेक हुए यहाँ पे ऑलराउंडर, तुम्हें मालूम पड़ा हमको सोहेल ने बताया कि ऑलराउंडर है भाई, तो बॉलिंग बैटिंग एकदम इतना ऑलराउंड फैसल इतना है तो हमकी तारीफ में और बहुत कुछ बोलेंगे। आइए भी इधर आइए, तो भी मालूम पड़ा है सूत्रों के अनुसार आपकी कैप्टनशिप में 10 प्लेयर ने फाइनल मारे, तुम्हारी कैप्टन में फैसल वहां एक बार फिर तैयार का इशारा। वाई वाई एक अलग ही अंदाज है सर हैदर का, पहले घूमते उसके बाद में टाइटैनिक की तरह एकदम टाइटैनिक वाले स्टाइल में। आप पप्पू जी को आप देख सकते हो कप्तान जैक स्पैरो कुछ अलग करने की कोशिश में, और ये देखिए एकदम राजेश खन्ना की तरह घूमते हुए और स्लोली वाइड होते हुए हमारे एम्पायर, तो सबका अलग अलग स्टाइल रहता। तो मेरे घर का स्टाइल देखिए आप एकदम स्लोली काका बाबू राजेश खन्ना की तरह, वो तो वाइड है रे। उभरते हैं मैच की तरफ, उसको क्या बजाय 32 रन, वहां पास दिशाहीन गेंद रही, वो देख लो और एक स्टाइल वाइड हाथ ने फादर भाई को फादर सर को काम पे लगा दिया है। 14 गेंदे 14 रन, अभिषेक भाई एकदम आराम से सांस लेते हुए अभी 14 गेंदे 14 रन, बहुत अच्छी गेंद को समझ नहीं पाया सोनू वहां पर, लेकिन काफी देर हो गई महवा आते आते आपका कमबैक करते करते, क्योंकि 4-6-4 बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है सोनू ने। तक ओवर में 19 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद इनसाइड आउट खेला वहां पे आदिल मौजूद, 1 रन के साथ ये ओवर खत्म होगा। 20 रन देकर आहट ने ओवर खत्म किया, उसी के चलते स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। पहले ओवर 14, दो ओवर में दूसरे ओवर में 20, 14 और 20 मिला के हो गए 34। सुनने अच्छा लग रहा है ओवर, बस लगा है सर सामने टीम वाले कोई भी नहीं है क्या? हेलो हेलो, खतरनाक बल्लेबाज ऑलराउंडर, ऑलराउंडर
12 गेंदे 13 रन, गुरु बाबा हमारे बीच इस मंच की शान को बढ़ाते हुए। इस्लाम बहुत ही खूबसूरती से खेलते हुए यहाँ पे सुनो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कवर ड्राइव मारा, वहां पे खूबसूरत फील्डिंग हुई वहां पे अमान के हाथों से। स्कोर क्या पहुंचा है 35 रन, अब 12 रनों की जरूरत, 12 रनों की जरूरत। सुनो भाई एम्पायर क्या जा रहा, व्हाइट पप्पू भाई वहां से व्हाइट देते हुए, क्या बात है पप्पू भाई, जो एकदम कप्तान जज कायरों दिख रहे हैं। नासा के कप्तान जल्द से जल्द मंच से करीब आए, नासा के कप्तान बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे खोद के निकाला, लेकिन पावर जनरेट कर नहीं पाए, उसी के चलते यहाँ पे विकेट मिला। राशिद भाई, राशिद भाई नासिर का कप्तान, राशिद भाई आवाज आ रही है क्या भाई, नासा के कोई भी अच्छे नहीं है भाई, चाहिए आप दिखा दे गोल प्लीज, आप आ जाइए मंच करीब, लगभग ये मैच खत्म होने वाला है, तीसरा ओवर जारी है, बस गेंदे 11 रन। रसल रबीउल तो ही पहली गेंद पे लंबा बढ़ गया जा रहा 6 रनों के लिए, अब चाहिए 5 रन।